गुरु, इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट न दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। 9 जुलाई 1892 को सरदारगढ़, उदयपुर, राजस्थान में रूपाजी सुतार व केसर बाई के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भूरी बाई। भूरी बाई में अपने माता पिता के दयालुता, धर्म प्रियता, ईश्वर भक्ति जैसे दैवी गुण बचपन से ही आ गए थे। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनके पति श्वास रोग के कारण कुछ ही समय में संसार से चल बसे। पतिदेव की पूर्व आज्ञा अनुसार भूरी बाई उनके देहांत के बाद घर में रहते हुए ही साध्वी बन गई। भूरी बाई भोजन व निद्रा में खूब संयम रखती। दिनों दिन उनकी भगवत प्रीति बढ़ती गई। साधना की सफलता अर्थात भगवत प्राप्ति हेतु जीवन में कोई समर्थ मार्गदर्शक न होने की उनके हृदय में गहरी पीड़ा थी। इससे वे सद्गुरु प्राप्ति की तड़प से व्याकुल होकर एकांत में बैठ के घंटों तक रुदन करती थी। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के बिना भगवत प्राप्ति का सही मार्ग कौन दिखा सकता है? संत टेऊ राम जी ने कहा है, गुरु बिन रंग न लाग ही, गुरु बिन ज्ञान न होए, कहें टेऊ सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई, गुरु बिन प्रेम न उपजे, गुरु बिन जगे न भाग, कहें टेऊ ताते सदा गुरु चरणों में लाग। सदगुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति होकर ही रहती है, यह अटल नियम है। हृदय पूर्वक पुकार के फल स्वरूप एक दिन भूरी बाई को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चतुर सिंह जी महाराज के बारे में मालूम हुआ।
भी उनका दर्शन सत्संग प्राप्त करने हेतु उदयपुर पहुंच गए। बाई को साधना करते करते 9 वर्ष बीत गए थे। सदगुरु ने उनकी साधना संबंधी सारी बातें सुनी। वह बताया कि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। भूरी बाई कहती हैं कि यह सुनकर मुझे तब इतना गहरा आघात लगा मानो शरीर पर तलवार चल गई हो। अब तक यह अभिमान था कि हम तो महात्मा योगिनी हो गई हैं और गुरु जी ने तो हमें अज्ञानी बता दिया, परंतु मन मारकर बाई बैठी रही। वे सोचने लगी, 9 वर्ष की साधना धूल हुई। सदगुरु चतुर सिंह जी ने संत ज्ञानेश्वर जी की अमृता अनुभव टीका दी, जिसे पढ़ने पर बाई को स्वयं अनुभव होने लगा कि वास्तव में अब तक मैं अज्ञान में थी। सदगुरु ने कुछ सत साहित्य भी उन्हें पढ़ने हेतु दिया। सदगुरु द्वारा रचित सत साहित्य व स्वाध्याय किया तो उनको सदगुरु के वचनों का मर्म समझ में आने लगा। संत भूरी बाई कहती हैं, सदगुरु की कृपा व उनके उपदेश से मुझे तो तीसरे ही दिन आत्मज्ञान हो गया। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ठिकाने बैठ जाने की ही बात है। सब कल्पना तत्काल मिट गई। जगत है जैसा है, सार सार कुछ भी नहीं। आत्मा का तीनों कालों में न कुछ बिगड़ा है न कुछ सुधरना है, इसलिए साधना क्रम ही निरर्थक हो गया। अपार शांति अनुभव में आ गई। आंखें खुलते देर थोड़े ही लगती है। अब तक साधना पर बल और हठ योग पर अभिमान था, जो पल भर में सदगुरु द्वारा ज्ञान योग का महत्व समझ में आते ही हट गया। आत्मज्ञान हो गया।